रात के 11 बज रहे थे। वो 31 दिसंबर की रात थी। अशोक अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के फोन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाना था। अचानक अशोक के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उसके दोस्त रवि का था। हेलो अशोक, तू तैयार हो गया? तुझे याद है ना, रोहन ने अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है, हमें वहीं जाना है। अरे यार रवि, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैं तो बहुत देर से तैयार बैठा हूँ। वैसे एक बात बता, क्या निखिल और गौरव भी आ रहे हैं न्यू ईयर पार्टी में? हाँ यार, वो भी आ रहे हैं। अरे उनके बगैर तो न्यू ईयर पार्टी अधूरी रह जाएगी। धमाल तो वही दोनों करते हैं। तू एक काम कर, तू रोहन के घर पर निकल, हम लोग तुझे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है। इतना कहकर अशोक ने फोन रख दिया और घर से बाहर निकल गया। रोहन की पार्टी में अशोक के यहाँ बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। पार्टी बेहद बढ़िया थी, सबने बेहद एंजॉय किया। पार्टी में गौरव रवि ने बहुत ड्रिंक कर ली और वो लोग ड्राइविंग करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे, तो अशोक ने सोचा कि उन दोनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा। अशोक अपने दोस्तों को लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। रात के 1:30 बज रहे थे। ना ही कोई रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई टैक्सी मिल रही थी, तो वो लोग चलते चलते बेहद दूर निकल गए। लेकिन उन्हें फिर भी ना ही कोई रिक्शा मिला और ना ही कोई टैक्सी मिली। अशोक ने सोचा कि कैब बुला लेते हैं, और फिर अशोक ने कैब बुक कर दी और वो दोनों कैब का इंतजार करने लगे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अशोक ने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली। उसने आसपास देखा कि अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन उसे कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तभी इतने में अशोक को एक दुकान की लाइट जलती हुई दिखी। वो दुकान दो दुकानों के बीच में एक छोटी सी जगह पर थी, जो कुछ अजीब सी थी, मानो बेहद पुरानी हो। अशोक वहां अपने दोनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बेहद अजीब था। उस दुकान के बोर्ड के दो आखिरी सिरे पर दो अजीब सी शक्ल बनी हुई थी, और उन शक्लों में से सींग भी निकले हुए थे, मानो किसी शैतान की शक्ल हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था शापित बस्ती। अशोक ने देखा और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी, और उसके अंदर बैठने की जगह भी थी। अशोक ने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति उस दुकान से बाहर आया। उसे देखकर अशोक को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ रखी थी, और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से दिख नहीं रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनकी शक्ल बेहद भयानक थी, और उनके शक्ल पर एक अजीब सी कशिश थी। उसके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। आ, अंदर आ जाओ। वो सब अंदर बैठ गए। कुछ लोगे नींबू पानी या फिर कुछ और? अशोक को ख्याल आया और वो मन में बोला, गौरव और रवि को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। दो नींबू पानी दे दीजिएगा। अशोक चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूरे चांद की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। वो बस चांद को देखे ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर दुकान के मालिक पर गई। उसने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में सबकी परछाइयाँ दिख रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की परछाई ही नहीं दिख रही थी। अशोक को वो देखकर कुछ याद आया कि जब भी वो छुट्टियों में अपनी अम्मी के घर जाया करता था, उसकी नानी उसे भूतों की कहानियाँ सुनाया करती थी। वो कहती थी कि जिसकी परछाई ना दिखे वो शैतान होते हैं। अशोक ने दोबारा सोचा कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं, इसीलिए वो चेक करने के लिए धीरे से आगे बढ़ा, और वो धीरे धीरे चलकर उसके करीब चला गया। उसने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहा था, उस नींबू में से रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही उसने वो देखा, वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ यानी पीछे मुड़ गया।
अशोक ने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि उसकी पूरी शक्ल और उसका पूरा जिस्म ऐसा हो गया था मानो वो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उसके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उसके कान बेहद बड़े हो गए थे और उसकी वो भयानक सी हंसी बेहद डरावनी थी। उसकी वो नुकीले दांत जो कि बिल्कुल टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे वो देखकर अशोक बेहद डर गया। दोस्तों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि वो दोनों शराब के नशे में थे। वो अपने दोस्तों के पास गया और वो उन्हें उठा ही रहा था कि तभी वो अजीब सा शैतान उसके करीब आ गया। अशोक ने बहुत कोशिश की कि वो अपने दोस्तों को लेकर भाग जाए लेकिन वो दोनों शराब के नशे में थे इसीलिए वो उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। अशोक वहाँ से तेजी से भागने लगा और वो दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि इसी बीच एक पत्थर में ठोकर लगने की वजह से वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वो शैतान उसके एकदम पीछे खड़ा था। ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे। उसने डरी और सहमी आवाज में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? इस जगह को गौर से देखो, क्या यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक इंसान नजर आते हैं? बेवकूफ इंसान, शहर से निकलकर तू मौत की बस्ती में आ गया है। इस जगह को शापित बस्ती कहते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। तुम्हारे ही जैसे शहर के नौजवान यहाँ पर बस्ती तुड़वा कर बिल्डिंग बनाने के लिए आए मगर हम बस्ती वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और फिर एक दिन उन हरामजादों ने पूरी बस्ती को आग लगा दी और सब के सब मारे गए। तब से हम सब की रूहें इसी जगह पर रहती हैं और ये पूरा इलाका हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पर किसी भी इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते और जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाता। वो भी हमारी कौम में शामिल हो जाता है, मतलब मर जाता है। और इस इलाके में आने से लोग दिन में भी घबराते हैं और तुम लोग रात में चले आए। तभी अचानक वहाँ पर कैब आ गई। अशोक भागता हुआ कैब में बैठ गया। जितना बन सके उतना ज्यादा तेज चलाओ। अशोक बहुत डरा हुआ था। यहाँ कैसे फंस गए जनाब? ये पूरा इलाका तो डरावने इलाके के नाम से मशहूर है। अच्छा हुआ मेरी नज़र आप पर पड़ गई, वरना मैं तो खुद यहाँ पर आने से कतराता हूँ। आप इतने डरे हुए क्यों हैं और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वो बूढ़ा शैतान सिर्फ अशोक को ही दिखाई दे रहा था। वो मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पर हैं। कोई फायदा नहीं जनाब, आप जिंदा बच गए यही शुक्र मनाइए। अब आपके दोस्त आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस जगह पर लोगों के गायब होने के वाकयात होते ही रहते हैं और जो यहाँ पर एक बार लापता होता है फिर कभी नहीं मिलता जनाब। ये सुनकर अशोक वहीं बेहोश हो गया और फिर सीधा अपने घर पर ही उठा। उसे बहुत दिन तक बेहद तेज बुखार था। इस वाक्य के बाद अशोक के दोस्त यानी गौरव और रवि कभी नहीं मिले। वो आज तक लापता है।